गुड मॉर्निंग फैमिली, सारिका गुप्ता व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी अभी आदि का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है सुबह का, और पापा ने कहा है कि पापा प्रॉन लेके आएंगे। तो इससे पहले कि पापा आते हैं, मैं फटाफट तैयारी कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पापा आ गए हैं और पापा प्रॉन के साथ साथ लेके आए हैं मिठाई और सोआ के पत्ते, यानी कि डिल लेग्स भी मैंने पापा से मंगाया था जो मेरे पास ख़त्म हो गया, तो पापा वो भी ला दिए। और जब तक पापा आते मैंने चावल भिगो के रख दिया था। देखिए चावल भी पकाने के लिए मैंने रख दिया है, और साथ में यहाँ मैंने प्रॉन के लिए जो भी तैयारी करनी है मुझे, वो सारे प्याज टमाटर आलू अदरक लहसुन भी छील लिया है मैंने। और साथ ही साथ पापा प्रॉन लेके आए तो मैंने उसे अच्छी तरह धो के साफ़ करके हल्दी नमक लगा के मैरिनेट कर लिया। तो अब चलिए जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो ये देखिए राइस हमारा पक भी गया जब तक मैंने मसाला वगैरह पिसा, और एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दिया है। प्रॉन को पहले फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मसाला भी पिस के रेडी है, अब फटाफट प्रॉन की करी बना लेंगे और हमारा खाना तैयार हो जाएगा। फिर पापा को फ़ोन करके बुला लूँगी खाने के लिए लंच। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा लाइटर जो है वो सडनली ख़राब हो गया, तो अब मुझे माचिस की तीलियाँ यूज़ करनी पड़ रही हैं। गैस जितनी बार भी मुझे जलानी है, अब मार्केट जाऊंगी जब तक फिर लेके आऊंगी लाइटर। तो चलिए जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। तो यहाँ प्रॉन्स को कर लेते हैं फ्राई। काफ़ी सारा प्रॉन पापा लेके आए हैं, थोड़ा घर भी भेज दूंगी भाभी और खुशी के लिए। निक्की तो है नहीं, निक्की और मोलू तो हनीमून पे गए हुए हैं फिलहाल, तो खुशी को प्रॉन बहुत पसंद है तो उसके लिए भेज दूंगी। लंच में तो नहीं खा पाएगी पर एटलीस्ट डिनर में खा लेगी खुशी। फ्रेंड्स, प्रॉन के बाद मैंने आलू को भी अच्छी तरह फ्राई करके निकाल लिया। यहाँ प्याज टमाटर सब फ्राई हो रहा है, और सूखे मसाले जितने भी हैं, जीरा धनिया मिर्च हल्दी, ये सबको मैंने पलटे पे ले लिया है और इससे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे प्याज टमाटर के साथ। और फिर हमारे जो मसालों का पेस्ट है अदरक लहसुन का, वो सब डाल देंगे। हरी मिर्च अदरक लहसुन थोड़ा प्याज थोड़ा टमाटर भी मैंने पीसा है, ये सारा कुछ इसमें डाल देंगे। बहुत टेस्टी प्रॉन करी बनती है। ये प्रॉन मसाला की रेसिपी आपको चाहिए तो ये मेरे दूसरे चैनल पे है, अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइए कमेंट में, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी मेरे दूसरे चैनल पे इस रेसिपी का। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं खाना। फ्रेंड्स देखिए खाना मेरा रेडी है, और पापा को मैंने फ़ोन किया तो पापा ने कहा कि अभी कुछ बाद में आएंगे 10-15 मिनट के। तो आदि को भूख लगी थी तो मैंने आदि का खाना सर्व कर दिया। ये देखिए ऑनियन सैलड राइस और ये हमारा प्रॉन मसाला। तो चलिए आदि को लंच दे देते हैं, वो वेट कर रहा है लंच के लिए। तो ये रहा आदि का लंच, और ये आदि गेम खेल रहा था और वेट कर रहा था। तो चलो आदि खा लो बेटा। मम्मा थोड़ा अलग से ब्लैक सॉल्ट दे दीजिए, इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, सलाद में फिर भी दे दें? हाँ। अच्छा ठीक है, लाते हैं। तो आदि को ब्लैक सॉल्ट चाहिए तो ये देखिए मैंने ला दिया ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा उसे दे देती हूँ। तो आदि खाने के लिए बैठ गया। चलिए अब देखते हैं पापा जब तक आते हैं, तब तक मैं सोआ की जो पत्तियाँ थी हमारी उसे चॉप करके रख लेती हूँ। तो चलिए ये भी काम करके ख़त्म कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह कंटेनर में मैं रखती हूँ, ये पहले की बची हुई है, ख़त्म होने वाली थी तो मैंने पापा से मंगा लिया था। तो चलिए इसे फटाफट चॉप करके रख लेते हैं फ्रिज में। तो पापा भी आ चुके हैं तो मैंने पापा का भी खाना सर्व कर लिया। चलिए पापा को भी लंच दे देते हैं। और आदि ने तो मुझे ऑलरेडी फीडबैक दे ही दिया कि बहुत अच्छी बनी है प्रॉन करी, होप पापा को भी पसंद आएगी। तो पापा को भी दे देते हैं लंच, पापा भी लंच कर लेंगे, फिर बर्तन वगैरह धो के मेरा काम ख़त्म होगा। फ्रेंड्स खाना तो सबने खा लिया, पापा खा के चले भी गए, आदि ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। अब चलिए जल्दी जल्दी गैस
साफ कर लेती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ। तो ये देखिए बर्तन सारा निकाल लिया है मैंने और इधर गैस भी गंदा हुआ पड़ा है, ये सब जल्दी जल्दी साफ कर लूँगी। तो गैस हमारा साफ हो गया, अब फटाफट धो लेती हूँ बर्तन। मुझे अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसीलिए बर्तन धोना, कपड़ा धोना ये सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। और अभी काम भी ज़्यादा है नहीं क्योंकि जब से लॉकडाउन और ये कोरोना ये सारा कुछ पैंडेमिक के वजह से काम बहुत ही कम है, तो फ्री ही रहती हूँ, तो इसीलिए अपना काम खुद ही करना ठीक है, हेल्थ भी ठीक रहता है, आदत भी बनी रहती है काम करने की, तो इसीलिए मैं अपना काम रोज़ खुद ही करती हूँ। तो मेरा बर्तन भी ऑलमोस्ट धुल गया, अब सिंक को भी वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह, इसके बाद बर्तन को धो लेंगे, बर्तन मांजना तो हो गया। इंसान को हमेशा अपने काम में बिज़ी रहना चाहिए, खाली दिमाग शैतान का घर, ये जिसने भी कहा है बहुत सही कहा है। बेकार में बैठे रहो तो सारे दुनिया की टेंशन दिमाग में घूमती रहती है, इससे अच्छा है अपने आप को काम में बिज़ी रखा जाए। ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर पे मेड नहीं थी, पैंडेमिक के पहले थी, तब काम का प्रेशर ज़्यादा होता था ऑर्डर्स वगैरह का, लेकिन अभी तो मैं फ्री रहती हूँ तो इसीलिए खुद ही कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बर्तन धो लिया, किचन मैंने साफ़ कर लिया और ये सब करते करते ही 3 बज चुके हैं और एक मिठाई खा के पानी पीऊँगी। पापा जो मिठाई लाए थे उसमें से मैंने एक पापा को भी खिलाया, मोती पाक लेके आए हैं पापा, तो एक मिठाई खा के पानी पी लूँ, फिर थोड़ा रेस्ट लेती हूँ 10-15 मिनट और उसके बाद पापा के लिए चाय बना के भेजेंगे। ऑफिस में पापा के जितने भी स्टाफ और भाई और पापा सबके लिए 4 बजे चाय भेजना होता है और ब्लैक टी यानी कि जो लीकर जाए, तो चलिए मिठाई खाया जाए। तो ये देखिए मोती पाक पापा लेके आए थे और एक मैं खा लेती हूँ, आधी को ये पसंद ही नहीं है, एक पापा को खिलाया मैंने और इसके बाद चाय बनाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स मिठाई तो खा लिया लेकिन अभी रेस्ट नहीं ले पाऊँगी, मोबाइल पे मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए हुए हैं ऑर्डर्स की क्वेरीज़ के, तो चलिए पहले मैं रिप्लाई दे देती हूँ उन सभी को जिन्होंने क्वेरी किया है। जैसे हर लोग पूछते रहते हैं कि ये केक का प्राइस कितना, ये क्या, तो ये सारा आते रहता है व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैंने सबको बोल रखा है कि कॉल्स मैं अटेंड नहीं करती, जिसे भी जो भी क्वेरी करनी है ऑर्डर देना है तो वो सब मुझे व्हाट्सएप ही करते हैं। तो जाऊँ जल्दी से रिप्लाई दे दूँ सभी को क्योंकि फिर उसके बाद चाय जल्दी से बनाना है वरना लेट हो जाएगा चाय के लिए। इधर आधी लंच करने के बाद लगा हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने में। अरे नहीं तेरे को नहीं, और मैं अपना काम करती हूँ जल्दी जल्दी, ऑर्डर्स सारे जितने भी हैं उसका रिप्लाई दे देती हूँ फटाफट, फिर चलेंगे चाय बनाने। मैंने एक तरफ बैठा दिया है
पानी बैठा दिया है और पानी में चीनी डाल दिया और इधर अदरक और काली मिर्च को कूट रही हूँ। अदरक और काली मिर्च डाल के लीकर चाय पापा पीते हैं तो सभी के लिए ऐसा ही बनेगा। तो अदरक को तो कूट लिया हमने, काली मिर्च को भी कूट लेते हैं। तो कूट लिया मैंने ये अदरक और काली मिर्च को, कूटने की आवाज़ से ही आसपास सब समझ जाते हैं कि चाय बनने लग गया है। घर पे बहुत टेस्टी चाय बनती है, मुझे तो पसंद है, मेरे पापा को भी पसंद है, भाई को भी, तो इसीलिए स्टाफ्स के लिए भी सबके लिए एक साथ ऐसा ही चाय बनता है। साथ ही साथ मैं आंटी को भी चाय पिलाती हूँ, पहले आंटी को देते हुए फिर ऑफिस में दे के आने जाती हूँ चाय को। तो चलिए ये कूटना हो गया, इसे भी डाल देते हैं चाय के पानी में और इसे बॉयल होने देंगे कुछ देर। 4 से 5 मिनट ये बॉयल होता रहेगा और फिर देखिएगा इसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा अदरक और काली मिर्च के वजह से। तो देखिए ये चाय जो है, अगर आपको सर्दी पर्दी लगी हुई हो या गले में खराश हो तो ये थोड़ा ब्लैक पेपर का इसमें तीखापन टाइप का होता है, तो वो उसके वजह से अगर आपको सर्दी लगी हो या गले में खराश हो आप पी लेंगे ये चाय तो बहुत रिलीफ मिल जाता है तुरंत ही। तो कभी आपको सर्दी वर्दी लगी हो तो आप ये चाय एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे बना के। और हम लोग तो रोज़ ही पीते हैं क्योंकि पापा को भी पसंद है और अब तो सभी को पसंद है घर पे, तो सब लोग पी लेते हैं। चाय बन जाने देते हैं। तो देखिए बज गए हैं शाम को 4 और चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है। चाय लेके चलिए चलते हैं ऑफिस। और इधर देखिए 4 बजे से आदि का लाइव स्टार्ट होता है तो वो अपना लाइव भी शुरू करने वाला है। तो ये देखिए चाय हमारी बॉयल हो रही है 2-3 मिनट से, देखिए कलर कैसे चेंज हो गया है, ऑलरेडी इसका कलर लीकर चाय के जैसे हो गया है। और इसमें बहुत ज़रा सी चाय पत्ती हम लोग डालेंगे क्योंकि ज़्यादा कड़क चाय भी पसंद नहीं आती है पापा को। ये देखिए चाय पत्ती इतना लिया लेकिन इतना भी नहीं डालूँगी, बहुत कम डालूँगी। तो डाल लेते हैं चाय पत्ती, देखिए इतना मैंने बचा लिया। और चाय पत्ती डालने के बाद इसे ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, बस 2-3 उबाल आने देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। तो देखिए चाय पत्ती डाल लिए और गैस कर देते हैं ऑफ। तो चलिए चाय जल्दी से छान लेते हैं। तो ये देखिए चाय तो हमने छान लिया जग में और ये मैं अपने लिए 1 कप पहले निकाल के रख लेती हूँ, फिर ऑफिस से जब आऊँगी चाय देने के बाद तब मैं इसे पीऊँगी। तो 1 कप चाय मैंने रख लिया अपने लिए। तो चलिए अब चलते हैं ऑफिस की तरफ चाय लेके। पहले आंटी को दे देंगे फिर ऑफिस में देने जाएंगे काकी चाय। तो आंटी को दे दिए, अब चलते हैं ऑफिस। तो देखिए घर के दरवाजे के जस्ट उल्टी तरफ ही पापा का ऑफिस है, ये जो सामने आपको दिख रहा है। और यहाँ से अभी रतन अंकल एक हैं, वो आएंगे पापा के स्टाफ और वो चाय ले जाएंगे, मैंने आवाज़ दे दिया है उनको। अब चलते हैं अपनी चाय पीने। अब चलो मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ। तो आज के लिए काम ख़त्म हुआ और अब जा रही हूँ आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और कुछ देर रेस्ट लेने के बाद शाम को होगी वीडियोस की एडिटिंग
एंड अपलोडिंग सारे चैनल्स के लिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो बाय बाय फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।